जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम समीर कुरैशी है। कलयुग के धर्म रक्षक में आप सभी लोगों का स्वागत है, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कलयुग के धर्म रक्षक में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम खड़े हैं, पाईदुनी का एरिया है, इस्माइल कत्तर रोड, और बिल्डिंग का नाम गुलिस्तान अपार्टमेंट। और हमारे साथ में यहाँ के कुछ सोशल वर्कर है। और जैसे कि आप आज यहाँ पे, मतलब जो बिल्डिंग है, बहुत काफी पुरानी बिल्डिंग थी, वो आज उसका अचानक सडनली मतलब डेमोलिशन का आज कुछ 12 बजे का टाइम बताया गया था। तो मतलब यहाँ के स्थानिक लोग काफी परेशान है। जैसे कि मैंने वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई है अभी, मतलब बहुत लोग कुछ एक हैंडीकैप है, मतलब अचानक मतलब कहाँ जाएंगे लोग घर छोड़ के। अभी जैसे कि एक बात, अभी 2 मिनट पहले भाई ने बोला था कि किसी को टेंशन में अटैक आ गया, और वहाँ पे लोग मतलब इतने रो रहे हैं, किसी के घरों में खाना तक नहीं बना है। दो बच्चे हॉस्पिटल में, और मतलब आज इलेक्शन आ रहा है, सब अपना अपना सोच रहे हैं। तो हमारे साथ में जो सोशल वर्कर है, अभी हमारे लतीफ भाई, अब्दुल लतीफ भाई से मैं कुछ बात करना चाहूंगा इस बारे में। आप क्या बोलेंगे? बस मेरा ये बोलना है कि भाई हमारा इसमें क्या कसूर है, हमारी क्या गलती है, कि हमने क्या गुनाह किया जो हमारे को इसकी सजा दी जा रही है। हमको तो पता नहीं कि ये लीगल है कि इलीगल है। बिल्डिंग बनी, हमने पैसा दिया, जगह खरीदे। अगर इसमें, अगर आपको लगता गलत है, तो इसमें सभी सिस्टम जिम्मेदार है। इसमें BMC के अधिकारी भी जिम्मेदार है, इसमें लोकल पुलिस वो भी जिम्मेदार है, पाईदुनी पुलिस स्टेशन, इसमें लोकल नगर सभा आकाशपुर वो भी जगह जिसके जिम्मेदार है, और हमारे यहाँ के जो MLA वो भी जिम्मेदार है। कि जब आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है, तो आपने उसको रोका क्यों नहीं? बन गए, पब्लिक आ गई, रहने को आ गई, सब हो गया, 2-3 साल से पब्लिक रह रही है, अब तुम बोलते हो ये इनलीगल है। अच्छा, इनलीगल है तो आपको नोटिस देना चाहिए 7 दिन पहले या 14 दिन पहले। आपने हमारे को नोटिस दिया शनिवार 21 तारीख को, और आप बोलते 23 तारीख को मंडे को हम तोड़ने आ रहे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? कानून भी हमारे को टाइम देता है कि भाई ठीक है, 7 दिन का आपको टाइम है, 15, आप अपनी बात, हमको हमारी बात कहने का मौका दिया जाए। अगर आप बोलेंगे कि ऐसा है कि हम खाली करो, हम तोड़ेंगे, तो हम भी कहाँ जाएंगे? हम फुटपाथ पे आ जाएंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर हमारे से जबरदस्ती की जाए, तो हम केरोसिन डाल के अपने आप को जला देंगे। जिसका जिम्मेदार यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन, यहाँ का नगर सेवक, और यहाँ की CM सरकार, BJP की सरकार, और BMC सरकार। जैसे कि लतीफ भाई ने बताया, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मगर मेरा एक सवाल है लतीफ भाई आपसे, कि जैसे कि अभी जो डेमोलिशन के लिए बोला गया है, आज मैंने जो देखा कि लोग मतलब वहाँ पे रो रहे हैं, जैसे और कुछ दो बच्चे एडमिट भी है, कोई भाई को अटैक भी आया है, और मतलब यहाँ तक कि किसी के घर में खाना तक नहीं बना है वहाँ पे लोगों के, मतलब इतना आप देखोगे, मतलब और मैं यहाँ देख रहा हूँ, मतलब कोई भी एक MLA MP या कोई एक पॉलिटिशियन जैसे CM VM कोई भी नहीं है, जो लोगों की परेशानी अचानक इनलीगल है ये। तो बॉम्बे के अंदर जैसे कि मतलब काफ़ी बिल्डिंग इनलीगल है, तो अगर इनलीगल है कुछ भी है, मतलब ये प्रॉब्लम, मतलब इसका मेन जिम्मेदार कौन है? इसका मेन जिम्मेदार जो है ना, वो सरकार है, और यहाँ उस जगह के नगर सेवक और वहाँ का MLA। जब आपके एरिया में एक काम हो रहा है, तो आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अच्छा, पब्लिक ऐसा नहीं है, पब्लिक कंप्लेंट डालती है, तो आपने उस कंप्लेंट को फॉलो क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपने मैनेज किया है, बिना मैनेज किए कोई काम नहीं होता। अगर आज मैं छोटा सा बागड़ा कहीं ठोकता हूँ, तो BMC आके उसको उठा के ले जाती है। क्यों? क्योंकि पहले कंप्लेंट है। जब इतनी बड़ी कंप्लेंट है, तो आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों उसको आपने मौका दिया? बिल्कुल सही बात, सही बोला आपने। अच्छा, एक बात और, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि ये जो मतलब बिल्डिंग है, जो आज मतलब इसका डेमोलिशन का ऑर्डर आया है आज, आप मतलब आप लोग यहाँ के जो भी टेनेंट लोग हैं, मतलब अभी सडनली इन लोग ने इनलीगल बता दिया है, तो मतलब आप क्या चाहते हो, मतलब बिल्डिंग के बदले आपको मतलब क्या मिलना चाहिए? हम चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इनलीगल है, तो इसके घर के बदले हमको घर दिया जाए, और यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जैसा कि यहाँ के MLA है, नगर सेवक है, और भी जो है, कोई आके देखा नहीं, कोई आके हमको पूछा नहीं, हम लावारिस की तरह पड़े हुए। यहाँ तक कि 3 दिन से किसी ने पेट भर खाना नहीं खाया, आज सुबह से लोग भूखे नीचे बैठे ले, मगर कोई पूछने नहीं आया है। और हम पाईदुनी पुलिस स्टेशन में मदद मांगने को गए, सीनियर PI से, तो वो हमसे मिला नहीं, हमसे मिलने से इनकार कर दिया, बोला हम आपसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आप लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर है, जब एक पब्लिक आपके पास आती है, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप उससे मिलो, उनके ऊपर कायदे से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको सस्पेंड किया जाए, पाईदुनी के सीनियर PI को। अच्छा भाई, अपना जैसे कि लतीफ ने बताया, यहाँ पे अपना मतलब ये जो डेमोलिशन अगर होता है, तो इसके बदले आपको मतलब घर के बदले घर, तो ये बात आप सहमत हो? हम सहमत है इस बात से भाई। आप लोग को मतलब ये घर के बदले घर चाहिए, कि आपको कुछ और आपकी डिमांड है? घर के बदले घर ही चाहिए। ठीक है भाई, अपना मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
नहीं भाई, जैसे कि आपको मालूम है आज का दिन जो मतलब एक बहुत ही मतलब एक यहाँ के लोगों के लिए सब परेशान है लोग, और ये बिल्डिंग का जो डेमोलिशन का निकला, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? इसके लिए पूरी बीएमसी जिम्मेदार है। बीएमसी की नाक के नीचे काम हुआ है, बीएमसी को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। जो पब्लिक घर ली है वो भी बच जाती अगर ये बनने के टाइम पे ही टूटता तो, और वो पब्लिक के पैसे बच जाते। जो गरीब लोगों ने घर लिया है, अभी जो कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया टेंशन में, कोई औरत रो रही है बैठ के, तो इसका जवाबदार कौन है? इनको कौन सहारा देगा? हमारा बोलना सिर्फ इतना ही है, इनको घर के बदले घर दो या तो इनके लिए कुछ करो। सब गरीब लोग हैं, जाएंगे कहाँ? बिल्कुल सही बोला आपने। और एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आज जो माहौल चल रहा है अभी, जैसे आपके जो लोकल यहाँ के जो भी MLA है, उन्होंने अपने मतलब आपको कुछ हेल्प की? कंप्लेंट तो गई होगी, BMC में भी गई होगी, MLA को भी गई होगी, कॉरपोरेटर को भी गई होगी, कमिश्नर को भी गई होगी। तो इसके ऊपर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब जब लोग रहने के लिए आ गए तो आप इसको तोड़ने के लिए आ रहे हो? तो ये लोग जो लोग रह रहे हैं घर में, जो गरीब लोगों ने घर लिया है, किसी ने अपनी बेटी को दिलाया है, किसी ने अपनी बहन को दिलाया है, किसी ने खुद लिया है गरीब आदमी ने, वो लोग कहाँ जाएंगे? हमारा बोलना सिर्फ इतना है, इनके लिए कुछ किया जाए और इनको कहीं भी सहारा दिया जाए या घर दिया जाए घर के बदले, फिर इसको डेमोलिश किया जाए। नहीं तो ये सब रास्ते पे आ जाएंगे, सामान वामान लेके जाएंगे कहाँ, है ना? अभी किसी ने अपना घर बेच के कहीं से हिस्से करके अपना घर लेकर, अब तो हिस्से में जो पैसा आया उसने यहाँ पर फंसा दिया। हाँ, जैसे कि मुझे अपना वहाँ पे कोई लेडी बता रही थी, उन्होंने अपना मतलब पूरी जिंदगी की जो कमाई थी, पूरी पूंजी वो लगाई है, यहाँ लगाई है, जॉइंट फैमिली में रह रहा है, उसको मालूम नहीं था जो है ना। अगर आपको केस लेना है तो इकबाल वरिया जो उसके लैंडलॉर्ड है उस पे लो, जो गनी बिल्डर जिसने बनाया उसके ऊपर लो। बिल्डर का नाम क्या बताया आपने? गनी जेटवा। और इसका मालिक है इकबाल वाड़िया। उनपे केस लो आप, इनके ऊपर तो केस लेना ही है। और पुलिस पे भी केस लोगे, उन्होंने इसको नजरअंदाज क्यों किया? अधिकारियों पे भी केस लो, वार्ड ऑफिसर पे केस बराबर लेना ही चाहिए, नहीं तो फिर अपना इसका मतलब फिर भी अच्छा। और एक मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, मतलब MLA हो गया और जैसे हमारे शिवसेना के MP है और कोई भी पार्टी के MP है, और बीच कोई पार्टी से आपको कोई मतलब कोई भी तरीके की हेल्प मिली है आपको अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है देखने के लिए, तो हेल्प कहां से मिलेगी? कोई नहीं आया, कोई पॉलिटिकल। कल अमीन बडल आके देख के गए, बात करके गए, मगर आज जो है ना, आज हमने कई लोगों को फोन किया मगर कोई आज तक आके अभी तक मिला ना, किसी ने तसल्ली दिया हमारे को ना किसी ने आके ये नहीं पूछा कि भाई आपने नाश्ता किया, खाना खाया, सब भूखे पैसे बैठे ले। भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक बात बोलूंगा, मगर जैसे कि मैं कल आया था यहाँ पे, तो मैंने अपना मेयर साहब को, हमारे जो म्यूनसिपल मेयर साहब है उनको मैंने खुद डायरेक्ट कॉल किया था, और उसके बाद में हमारे शिवसेना के विभाग प्रमुख अर्णव सकपाल जी से बात हुई थी मेरी, तो वो तो मैं सुना था ऐसा कुछ मतलब वो आए भी थे मीटिंग नहीं, 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 कोई नहीं आया। पांडु सतपाल साहब तो एक बार भी नहीं आया, अमित पटेल तो फिर भी दो बार आके गए ना, अरविंद सावंत यहाँ की जो वो भी नहीं आए, पांडु वो भी नहीं आया, सतपाल साहब भी नहीं आया, कोई नहीं, आकाश पुरोहित भी नहीं आया, नगर सेवक जो लोकल नगर सेवक है बीजेपी के नगर सेवक है, और ये जबकि उनको आना चाहिए, देखना चाहिए क्या हालात है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और पब्लिक को तसल्ली देनी चाहिए कि भाई आप फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ में हैं। हाँ, किसी ने पूछनी नहीं है, आज लाओ वारिस की तरह हम पड़े, आप जाके देखो। नहीं, मैंने देखा जो माहौल में मतलब वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे जो लेडीज मतलब हमारी घर की जो मतलब माँ बहन है आज मतलब रो रहे है, मतलब किसी के घर में मतलब कोई खाना खाने के लिए भी मतलब क्या बोलूं, मतलब एक अलग ही मंजर है। तो मेरा ये मेरी अपना मतलब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और खास करके CM साहब से मतलब ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मतलब जो ये इशू है इसके ऊपर इसी एक्शन लिया जाए। ठीक है भाई, और आप कोई कुछ बोलना चाहेगा? बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हमको मौका दिया जाए ताकि हम उसके आगे समझ ले क्या है क्या नहीं है, हमको हाई कोर्ट में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका दिया जाए। जब हमारे को वहां से कुछ नहीं मिला तो आप अपनी कार्रवाई करो, हम उसमें आप में दखल नहीं देंगे। बाकी यहाँ अभी सब ऐसा है ना कि छत छिन जाएगी तो हर इंसान मरने को तैयार है। बिल्कुल। और केरोसिन या बाटला जो भी हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, जला लेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर हम यहाँ से हटेंगे नहीं। बिल्कुल। अपना इतना जो लोगों ने मतलब इतने जमाने से पैसा जमा करके लगाया, कैसे आदमी मतलब एक बॉम्बे के अंदर एक घर बोले तो एक सपना होता है, और आप वो सपना अचानक बोलते हैं मतलब कोई भी कि ये इनलीगल है, ये है, वो है, तो यार बहुत आदमी क्या करेगा फाइनली। और ये सब मतलब तो ठीक है अपना, और आप कोई कुछ बोलेगा? आपका नाम? मेरा नाम इस्माइल मूसा भटली वाला है। अच्छा, एक दो घर ऐसे है कि बेचारे नाला सोपाला और वसई के अंदर रहते थे, तो जवान लड़का आने जाने के अंदर मर गया, तो बेचारी बूढ़ी औरत ने वहाँ पे बेची और यहाँ ली कि भाई बम्बई में काम धंधा है, बम्बई में रहेगी, आना जाना भारी पड़ता है, जवान बच्चा हादसे खो गया, ये ऐसे हादसे हो गए, आदमी मजबूरी में यहाँ ले रहा है, आदमी को किसी को शौक नहीं है 10-10 माला रहने का,
लेकिन मजबूरी हालत ऐसी है कि आदमी ले रहा है, रोज नाला सोपाला और वसई से आना जाना आदमी को भारी पड़ रहा है। जवान लड़के हाथ से निकल गए, अपनी मजबूरी में आदमी ले रहा है इधर। अगर ये बेब की लाइट पानी का बंदोबस्त नहीं करते तो पब्लिक लेने रहने भी नहीं आती, लेने नहीं आती। अगर ये लाइट और पानी का बंदोबस्त आपने किए तो लोग लेने आए, लोगों को क्या मालूम ये इनलीगल है कि लीगल है। एक बात आखिरी बात बोलना चाहूँगा मैं, जैसे लीगल इनलीगल की बात है तो साउथ बॉम्बे में जैसे कि मतलब मैं मेरे को मतलब मेरे अनुभव के हिसाब से काफ़ी सारी बिल्डिंग इनलीगल है और आज भी लोग रह रहे हैं, मतलब कभी किसका कुछ इतना इशू नहीं हुआ। कैसे बीएमसी मैनेज होती है क्या होती है मतलब कुछ क्लियरली नहीं बोल सकता मैं उसके ऊपर, बट अचानक मतलब इतनी बड़ी बड़ी इनलीगल बिल्डिंग है कि क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मगर ये बिल्डिंग जो आज 10 माले की है, यहाँ पे इतने जो लोग इतने परेशान है, क्या अचानक इसका डेमोलिशन मतलब निकाला गया है और कुछ मौका नहीं गया है इसके मतलब ये। यही होता है कि या तो फिर कोई वार्ड ऑफिसर या कोई वार्ड का अधिकारी ने पैसे का डिमांड किया होगा, उसको दिए नहीं होंगे तो उन्होंने वो हिसाब से उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। क्योंकि देखो आज पैसा हर मर्ज की दवा है, बिल्कुल उनको नहीं मिला होगा इसलिए उन्होंने ये, वरना मैं आपको इस एरिया में 25 बिल्डिंग दिखाता इनलीगल, जाओ आप कार्रवाई करो, आप क्यों नहीं करते हो। ये जो बात बोले लतीफ भाई ने बात है बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे खुद मालूम है कि कितनी बिल्डिंग इनलीगल है और कितनी क्या है, बट ये बिल्डिंग के बारे में जो हुआ और मैंने जो आज का मंजर देखा बहुत ही गलत है। इस पे अपना हमारे जो भी हमारे महाराष्ट्र के सीएम है और हमारे एमपी साहब है जो भी है उनको एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग इतने लोग मतलब यहाँ पे आज मतलब खड़े हुए आप देख सकते हो, वहाँ पे हमारे कैमरे में हम लोग ने वहाँ पे भी पूरा आपको दिखाया है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना न्यूज समाप्त करता हूँ। समीर को लेकर थैंक यू। अरे मराठी थोड़ी समझती, मराठी में वहाँ तो स्पीच मराठी में दिया। नहीं नहीं मराठी नहीं हिंदी भी हुआ था। ठीक है बात करने के लिए एक और टेनेंट मौजूद है हमारे साथ में, हाँ क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि भाई जब ये बिल्डिंग बन रही थी उसके पहला म्युनिसिपैलिटी कहाँ सोई थी, घर बनने के बाद म्युनिसिपैलिटी आई और वो भी किसी यहाँ पे लोगों को कोई नोटिस लेने को कोई लगा के कुछ गए नहीं और बोले हमने नोटिस चार बार दिया। कौन सा नोटिस चार बार किसी को मिले आई? आज हमारे गांव का घर बेच के हमने दागिना बेच के इधर घर लिया है और मेरा चार बार हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, एक दो 1982 में, एक 94 में, एक 2009 में और एक 2019 में। अगर आपको सब प्रूफ चाहिए तो है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने घर इसके लिए लिया कि यहाँ पे लिफ्ट है और ये म्युनिसिपैलिटी इतने दिन सोई थी क्या? जब भी कुछ भी होता है जब होने के बाद सब कुछ करती, होने के पहला कुछ नहीं करती, ये तो सब मिस्टेक उसकी है। मेहरबानी करके उनको रिक्वेस्ट है, इनको अजीज़ी है कि मेहरबानी करके इस बिल्डिंग को हाथ न लगाना, नहीं तो यहाँ के मौत पे नहीं खून खराबा होगा। मेहरबानी करके ये जैसे कि रेगुलराइज होती है बिल्डिंग तो रेगुलराइज में कुछ पैसा भरना पड़ता है, हाँ। तो आप लोग रेडी हो रेगुलराइज करने? रेगुलराइज को हम म्युनिसिपैलिटी का जो मेंटेनेंस टैक्स वगैरह जो हम भरने के लिए तैयार है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मेरा रूम नंबर 503 है और मुझे मेहरबानी मेरे को सब मेरी फैमिली में तीनों भी लड़कियाँ हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, हाँ। और इसके लिए जो है मेरी एक लड़की की शादी हुई, एक लड़की की डिवोर्स हुई, एक लड़की है, अब मेरे को कैसा कुछ करना पड़ा हो तुम हुए तो आप लोग कोर्ट में गए थे? कोर्ट में जब हमको टेनेंट को ही नोटिस नहीं लगाया था तो हम कहाँ से जावे, वो तो बोलते हम लोगों ने लैंडलॉर्ड को दिया है। अब लैंडलॉर्ड ने भी हमको इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसी ऐसी हकीकत है। कहीं ना कहीं ये पब्लिक जो है यहाँ की टेनेंट का आरोप है कि इसके अंदर लैंडलॉर्ड और बिल्डर जो है इन लोग का काफी जिम्मेदार है मतलब ये सब तकलीफों के, तो क्या क्या चाहेंगे आप? कानूनी मांग करते हैं उनके खिलाफ? क्या कानूनी मांग, कुछ कानूनी मांग करेंगे तो भी क्या कुछ इतने जल्दी तो होना नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल जो है हमारे पर जो मुसीबत आई है घर खाली को म्युनिसिपैलिटी बोल रही तोड़ने का, उसको रुकवा दे, उसके बाद हम कानूनी और न कानूनी हम करेंगे, समझे ना। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमको लैंडलॉर्ड का और बिल्डर का सपोर्ट है। हमारे साथ में और एक टेनेंट मौजूद है जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मोहम्मद हुसैन मंसूरी है। यहाँ हमारे बहुत से भाइयों ने बहनों ने ये चीज़ बताई कि ये बिल्डिंग इलीगल है और इसका यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी कानूनन जुर्म है, ठीक है।
ये मैं भी मानता हूँ। अब ये जो लीगल बिल्डिंग का जो प्रोसीजर है ना, आप जरा वो बिल्डिंग को जूम करिए, जो भाईजान वो बिल्डिंग को जूम करिए, वो बिल्डिंग दिखाओ, वो वाली वो देखो जो अधूरी बनी हुई ना, वो वाली ऊपर दिख रही है, वो उसको जूम करो। हाँ वो बिल्डिंग को जूम करो, हम दिखा देंगे बाद में जी। हाँ वो बिल्डिंग जो है ना, वो बिल्डिंग जो है 95 मस्जिद स्ट्रीट की है। हमें वो बिल्डिंग के वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग थी, मैं वहीं पर पैदा हुआ हूँ, आज मेरी 52 साल की उम्र है। वो बिल्डिंग आज 10 साल से प्रोसीजर के अंदर है, वो लीगल बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग के जो टेनेंट है ना, आधे से ज़्यादा अल्लाह को प्यारे हो गए, ये लीगल प्रोसीजर का काम है। अब बोलते हैं कि ये तुम इलीगल में क्यों आए। हाँ तो लीगल प्रोसीजर में तो बिल्डर वो है ना, कोई ना कोई उसके अंदर स्टे आ रहा है, कोई ना कोई प्रोसीजर है, वो बिल्डर की तरफ से हो रहा है। हाँ तो अगर हम लोग 10-10 साल 12-12 साल अगर बिल्डिंग का इंतजार करेंगे तो रहेंगे कहाँ फुटपाथ पे। हाँ तो हम लोग ने ये लिए तो कोई गलत काम नहीं किए, और ये बिल्डिंग भी मजबूत है, कोई खराब बिल्डिंग नहीं है। हमको सहूलत है ये बिल्डिंग के अंदर। हमारी वालदा जो है 85 साल की उम्र है, वो टॉयलेट जा नहीं सकते बाहर में, तो हमारी सब सहूलत के हिसाब से हमने ये बिल्डिंग ली है। और हमारी वालदा को जो है ना, डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया है कि भाई इनके अंदर कोई चीज़ बची नहीं है। अब वो वैसी वालदा को मैं अकेला हूँ खिदमत के लिए, उनको लेके मैं जाऊँगा किधर? और 1.5 दिन का हमको पास टाइम दिया गया है, सनीचर को हमको बोले कि तुमको 2 दिन के अंदर ये बिल्डिंग खाली करना है। हाँ तो हम लोग जाएंगे किधर पूरे टेनेंट यहाँ पर से?